ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवती वासुदेवाय। 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण वंदे जगद्गुरु। भगवान राम थरे राजदरबारे बसिंती कांदी कांदी गोटे कुकुर राजदरबारे पहुंचला। भगवान को प्रार्थना कला, प्रभु मो प्रति अन्याय हेछि, मो प्रति अधर्म हेछि, मो प्रति अविचार हेछि, आपण यार विचार करंतु। कौन तो प्रति अविचार हेछि? ना या मु गोटे निरीह पशु, मु रास्ता मझीरे सोइछि। से रास्ता दे जड़े मनीष जाऊले, से जड़े गरीब ब्राह्मण, से हठात मत गोटे बाड़ी रे पिटिले एवं गोड़े गोईठा मारे। मु कौन तांकर अपराध करी? को कारण रे से मत गोईठा मारे? को कारण रे मत से बाड़ी बाड़े? ये अपराधर आपण विचार करंतु एवं अपराधी की दंड दिंतु। भगवान राम कहले से ब्राह्मण को डका जाऊ। ब्राह्मण को राज दरबार को डका गला। ब्राह्मण को कहला कहीं से तो पशु, तमे तो मनीष, से तो रास्ता रे सोई, तमे बिना अपराध रे पशु को कहीं प्रहार कल? ब्राह्मण कहला आज्ञा, मु गरीब लोक भिक्षा मांग कर चलुची, भोक करूला, बहुत भोक मुली, जेहेतु भोक आसला ए भोक मो भितर क्रोध आसला, ए क्रोध रे कुकुरटा को गोटे गोईठा मारिदेली, ए क्रोध रे ए कुकुरटा को गोटे बाहर बाड़े देली, तेणु आपण मत क्षमा कर दिंतु, मत दंड दिंतु, मत दंड दिंतु। भगवान कहले अरे पशु, पशुर धर्म अलग, मनीष मनीषर धर्म हूँ अलग। मनीष को भगवान बेक दे, पशुटे जदि रास्ता मझीरे शुए सेटा अधर्म नुहे, किंतु पशु जदि रास्ता मझीरे सोइछि, जदि गोटे मनीष देखिला, मनीषर कर्तव्य हूँ रास्ता भांगिकी जीव, नले पशु को उठेकर जीव। जेहेतु तुम अपराध करिछो तुम दंड पाइब, किंतु दंड मु देवी दंड से पशु दीब। एटु कुकुर को भगवान पचारे ए ब्राह्मण को तुम दंड दियो? कुकुर कहला आज्ञा, मोर आपन को गोटे प्रार्थना, आपण राज्य जो बड़ आश्रम अच्छी ए आश्रम ताकु महंत कर दिं। कहले ठीक अच्छे, तू कहलु गोटे राम राज्य गोटे बड़ आश्रम महंत कर दिगला। तापर कुकुर को डाकिकी भगवान पचारे अरे कुकुर,
तु ताकु पनिशमेंट देलु ना रिवार्ड देलु से तो भिक मागिकी चलु था बर्तमान विराट आश्रम से महंत कुकुर कहला आज्ञा मो पूर्व जन्म मुझे गोटे आश्रम महंत थी मुझे गोटे साधु थी मु प्यूरीटी की भूली पपुलारीटी पछरे पड़गली ए मनी आउ पपुलारीटी पछरे पड़ी मोर साधना को मु भूली गली मोर खाली मनी दरकार पपुलारीटी दरकार रेस्पेक्ट दरकार बर्तमान ए जन्म कुकुर से आश्रम को जगी से आश्रम जगी जो ब्राह्मण बिना अपराधे क्रोध आसुची बिना अपराधे जार क्रोध आसुची संपत्ति देखने तार लोभ आसब नहीं कि थे जदि ए संपत्ति देखने तार लोभ आसला चार जन्म कुकुर आसब एवं से भी जो कुकुर आसब पुणी से रास्त शोब पुणी जिते रास्त से शोब पुणी गोटे मनुष्य बाड़ब से बुझी पार जे पर अपराधे प्राप्त उभली भाव दंड देवार उचित आज्ञा ये हूँ कर्मर नियम तेणु आम शास्त्र सिद्धांत हूँ बाहर कर्म बड़ कथा नुहे भीतर मनोभाव हूँ बड़ कथा भीतर मनोभाव जदि ठीक अच्छी आम कर्मटा धर्म हो भीतर मनोभाव जदि ठीक नुहे आम कर्मटा अधर्म हो कर्म से धर्म हुए जिते बड़े कर्म पछर मनोभावटा ठीक थाए तेणु आम गत काली आलोचना करूले कर्मजोगर परिभाषा कर्मजोगर प्रक्रिया एवं कर्मजोगर परिणाम ये तीन टा शब्द को आम आलोचना करूले आज मन पकईदबा पुणी आगे जावा प्रथम हूँ कर्मजोगर परिभाषा द्वितीय हूँ कर्मजोगर प्रक्रिया तृतीय हूँ कर्मजोगर परिणाम कर्मजोगर परिणाम कौन प्रथमे आमे कर्मजोगर परिभाषा को बुझिबा कर्मजोगर परिभाषा कौन कर्मजोगर परिभाषा होची दीटा राइट एक्शन प्लस राइट एटीट्यूड इज इक्वल टू कर्मजोग दीटा जिनिष जोठे थाए ताकु कर्मजोग कुहा जाए राइट एक्शन प्लस राइट एटीट्यूड इज इक्वल टू कर्मजोग कर्मटा ठीक हेतिबा दरकारे आउ मनोभावटा ठीक हेतिबा दरकारे ताहले जाइकिरी ताकु कर्मजोग कहा कर्मटा कर्तव्य कर्म हेतिबा दरकारे एवं से कर्तव्य कर्मटा ईश्वरार्पित हेतिबा दरकारे तेणु कर्मजोगर परिभाषा होउछि पिहित प्लस अर्पित जहाँ को तृतीय अध्याय भगवान कहले नियत नियत कर्म कौन नित्य नैमित्तिक प्राश्चित उपासना एक कहला विहित बर्तमान आम देखा जे कर्मजोगर प्रक्रिया कौन कौन से प्रक्रिया जो प्रक्रिया द्वारा आम कर्मटा कर्मजोग कर्मटा कर्मजोग आम भितर जो दुई प्रकार मनोभाव को परिवर्तन करिवा को पड़ो प्रथम मनोभाव हूँ कर्तार मनोभाव आउ गोटे मनोभाव हूँ भोक्तार मनोभाव यही दुई प्रकार मनोभाव को परिवर्तन न कले कर्म कर्मजोग हब ना उड़ला कर्तार मनोभाव मु करूची उड़ला भोक्तार मनोभाव मु नेबी मु करूची मु नेबी एको कहला कर्म ए दीटा जंग को बदलिया को पड़िबो मु बदलिया को पड़िबो कौन बदलिया को पड़िबो मु करु नाही एला कर्म सन्यास को त आमे जाई परिबानी कर्म रे आमे रहिबानी तिरु कर्मजोग अहम करोमी कथम करोमी ईश्वरस्य वृत्त्यवत अहम करोमी मु भगवान कर सेवक होइकिरी कर्म करिवी अर्थात ए मुटा को मु भगवान कर करि देबी ए मुटा को मु भगवान कर करि देबी द्वितीय रे मोरटा को मु भगवान कर करि देबी ए होची कर्मजोगर प्रक्रिया कर्मजोगर परिभाषा देखिले ए होची कर्मजोगर प्रक्रिया प्रक्रिया जदि आमे न सिखिले परिणाम पाखे आम पहुंची पारा ना ये प्रक्रिया कौन प्रक्रिया मोर नुहे भगवान कर मु नुहे मु भगवान कर जिते बेले दीटा जिनिष आम भितर बदली जीव जहा मोर ताऊची भगवान कर आम भितर निर्लोभता आस लोभ अच्छी आ मु भावुची मोर भगवान कर ये असंभव से भगवान ठारू आ कि चाहबनी भय अच्छी आ मु भगवान असंभव ता भीतर निर्लोभता आसीबो
ଏବଂ ତା ଭିତରେ ନିର୍ଭୟତା ଆସିବ। ଯାହା ଭିତରେ ନିର୍ଲଭ୍ୟତା ଥାଏ ସେ ବସ୍ତୁର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ଭିତରେ ନିର୍ଭୟତା ଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରେ। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ହବ କେମିତି? କେମିତି ହବ? ଆମ ଭକ୍ତିଶାସ୍ତ୍ରର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଉପାୟ ଶିଖେଇଲେ। ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଉପାୟରେ ଆମେ ମୋରଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କରିବା, ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଉପାୟରେ ଆମେ ମୁଁଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କରିବା। ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଉପାୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯୋଉ ଉପାୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଉପାୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟା ହେଲା ଶାନ୍ତ ଭାବ। ଶାନ୍ତ ଭାବ ହଉଛି କଣ? ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଶାସକ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ନିୟାମକ, ମୁଁ ହେଲି ନିୟମ୍ୟ। ଭଗବାନ ହେଲେ ଶାସକ, ମୁଁ ହେଲି ଶାସିତ। ଭଗବାନ ହେଲେ ମୋର ରାଜା, ମୁଁ ହେଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା। ଭଗବାନ କେବେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ମୁଁ ସେତିକି ପାଇଛି। ଆଇ ଏମ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ମାଇ ବଡି, ଆଇ ଏମ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି। ଏକୁ କିଏ ପାଳନ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ, ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ। ଶାନ୍ତ ଭାବକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମୋରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଲୋଭତା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଭୟତା। କର୍ମ କଣ? କର୍ମ କଣ ନା ଶରୀର ହଉଛି ମୁଁ, ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ମୋର, ପୁରୀରେ ଘର, ଦ୍ୱାରକାରେ ଘର, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଘର, ଚାରିଧାମରେ ଚାରିଟା ଘର କରିବି। ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର, ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର, ଶରୀର ହେଲା ମୁଁ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମୋର। ଅପ୍ରାପ୍ତର କାମ ପ୍ରାପ୍ତରେ ଲୋଭ, ଅପ୍ରାପ୍ତର କାମ ପ୍ରାପ୍ତରେ ଲୋଭ, ମରିବାର ଭୟ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ ତୁ କରନା, ଏଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ ତୁ କରନା। ମୋରଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଶାନ୍ତ ଭାବ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହଉଛି ଦାସ୍ୟ ଭାବ। ଦାସ୍ୟ ଭାବ ହଉଛି କଣ ନା ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ, ଭଗବାନ ହେଲେ ମୋର ସେବ୍ୟ। ତସ୍ମିନ୍ ତତ୍ ସୁଖେ ସେବିତମ୍, ତସ୍ମିନ୍ ତତ୍ ସୁଖେ ସୁଖିତ୍ୟମ୍। ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବାର କଳାକୁ ସେବା କୁହାଯାଏ। ଏକୁ କିଏ ଆଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ? ଏକୁ ଆଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ହନୁମାନ। ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି ସେବକ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବି, କାହାର ସ୍ୱାମୀ ହେଇକିରି ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବିନି, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବିନି। ଯଦି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଘରକୁ ଯିବି, ଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଲେ ମୋର ସେବ୍ୟ, ମୁଁ ହେଲି ଆପଣଙ୍କର ସେବକ। ମୁଁ ଆସି ସେବା କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେବକ, ମୁଁ ସେବକ। ଆଇ ଆମ୍ ୟୋର ଡିଭୋଟି, ଆଇ ଆମ୍ ୟୋର ଡିଭୋଟି। ଏକୁ କୁହାଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ, ଆପଣ ମୋର ସେବ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ମୋର ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗଲା। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହଉଛି ସଖା ଭାବ, ତୃତୀୟରେ ହଉଛି ସଖା ଭାବ। ସଖା ଭାବର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ। ସଖା ଭାବ ହଉଛି କଣ ନା ସଖା ଭାବ ହଉଛି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସଖା, ଯୋଉଠି ମୁଁ ମନ ଖୋଲିକିରି କହିପାରିବି ସମାନ ବେଶେଷୁ ଶିଳେଶୁ ସଖ୍ୟୁ। ତେଣୁ ସଖା ଭାବରେ ସମୀପତା ଥାଏ ଏବଂ ସେବା ଭାବ ବି ଥାଏ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ହଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଯଶୋଦା। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ, ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମା, ମୋ ବାଳ ଗୋପାଳ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଅ ଭଳିଆ ଗାଧେଇଦେବି, ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ତାକୁ ଖୋଇଦେବି। କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନେଇ, ମୋ ପୁଅ ଅଛି ଠାକୁର ଘରେ। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଏସି ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଖରାଦିନେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଶୋଇବ? ଶୀତ ଦିନ ହେଲେ ସେ ତାକୁ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ଶୀତ ହଉଛି। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନ୍ତି ନେଇ, ପୁଅ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ଭାବୁନେ। ମମତା ଆସୁନେ, ଆମର ଆସ୍ତିକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମମତା ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ନା, ମମତା ବି ଦରକାର। ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଆଜି ଶୋଇବ, ମୁଁ ପୁଅ କେମିତି ଆଜି ଶୋଇବ। ଏକୁ କୁହାଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ। ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବଢିଆ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ। ଏବଂ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକୁ କୁହାଗଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବ, ଯୋଉ ଭାବକୁ ଆଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ଗୋପୀମାନ। କାହିଁକି? ଏଠି ସମୀପତା ବି ଥାଏ, ଏଠି ଏକତା ବି ଥାଏ, ସମୀପତା ଆଉ ଏକତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନ୍ନତା ନଥାଏ। ଯୋଉଠି ସମୀପତା ଥାଏ ଏକତା ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଅଭିନ୍ନତା ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି।
ଏ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲମ୍ବନ କଲେ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମ ଭିତରେ ମୁଁଟା ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ, ମୋରଟା ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁଟା ହେଲା ଦୁଃଖର କାରଣ ଆଉ ମୋରଟା ହେଲା ଦୁଃଖର ନିମିତ। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଭାବନା ଆସିବ? ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବନା ଆସିବ, ଯାହା ମୁଁ କହି ଯାହା ମୁଁ କରି ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ଏଇ ଭାବର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକି ହିଁ କର୍ମଯୋଗ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ବୃତ୍ତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକି ହିଁ କର୍ମଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ମୁଁ କହି ଯାହା ମୁଁ କରି ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣି। ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତୁ, ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ କଲାବେଳେ ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଆଲର୍ଟ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ଅଛି ସେ ଚାହା ପିଇବେ, ବୁଲିବେ, କାହିଁକି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଆଇ ଭିଡିଓ ହେଇଛି ଅଫ୍, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସେମିତି ଯଦି ଥରେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବୁଝିଲା, ଯାହା ମୁଁ କହି ଭଗବାନ ଦେଖଇ, ଯାହା ମୁଁ କରାଇ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାବନା, ମୋ ଭାବିବା, ମୋ କହିବା, ମୋ କରିବାକୁ ଯିଏ ଜାଣୁଛି ସିଏ ହଉଛି ଭଗବାନ। ଏଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି। କର୍ମଯୋଗର ପରିଭାଷା ଦେଖିଲେ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ହଉଛି ପରିଣାମ। କର୍ମଯୋଗର ପରିଣାମ ହଉଛି ବୈରାଗ୍ୟମ୍ ତଦାଗନ୍ତାସି ନିର୍ବେଦ୍ୟମ୍, ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟର ପରିଭାଷା ହଉଛି ହେୟ ଉପାଦେୟ ଶୂନ୍ୟମ୍ ବୈରାଗ୍ୟମ୍। ହେୟ ଉପାଦେୟ ଶୂନ୍ୟମ୍ ବୈରାଗ୍ୟମ୍, ହେୟ ସେ କାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, କାହା ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ହେୟ ଉପାଦେୟ ଶୂନ୍ୟମ୍ ବୈରାଗ୍ୟମ୍, ହେୟ କାହାକୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦିଏନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଏ, ହେଲେ ଭଲ ନହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ହେୟ ଶୂନ୍ୟମ୍ ଉପାଦେୟ ଶୂନ୍ୟମ୍, କାହା ଉପରେ ସେ ବିରକ୍ତ ହୁଏନି, କାହା ସହିତ ସେ ଆସକ୍ତ ହୁଏନି। ହେୟ ଉପାଦେୟ ଶୂନ୍ୟମ୍ ବୈରାଗ୍ୟମ୍, କାହା ଉପରେ ସେ ଆସକ୍ତି ନୁହେଁ, କାହା ଉପରେ ସେ ବିରକ୍ତ ନୁହେଁ। ନନ୍ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍, ନନ୍ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍, ଏଇଭଳିଆ ମନ ଯାହାର ଅଛି। 53 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଫଳ, 52 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ଯୋଗ ବୁଦ୍ଧିର ଫଳ। ଭଗବାନ କହିଲେ କଣ, ଏଇଭଳିଆ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯାହାର, ତଦା ଯୋଗମ ଅବାପସତି ସମାଧାମ ଅଚଳା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ ଅବାପସତି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଏଭଳିଆ ଏକ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ, ହାଉ ଟୁ ଲିଭ୍ ଚଏସ୍ଲେସ୍ ଲାଇଫ୍, ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞର ଲକ୍ଷଣ ଯାହା, ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ ସେଇଆ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ପର୍ସନ୍। ଭଲ ଲୋକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମ ଆଖିରେ ଭଲ ଲୋକ ହଉଛି ସିଏ ଯାହାର ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ହଉଛି ବଡ, ଯାହାର ଡ୍ରେସ୍ ହଉଛି ସଫା, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଭଲ ଲୋକ ହଉଛି ସିଏ ଯାହାର ତିନିଟା ଯାଙ୍କ ହଉଛି ଭଲ, ଯାହାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବି ଭଲ, ଯାହାର ପ୍ରକୃତି ବି ଭଲ, ଯାହାର ବୃତ୍ତି ବି ଭଲ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ବୃତ୍ତି ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ପ୍ରକୃତି ମାନେ କାରଣ ଶରୀର। ଯାହାର ତିନିଟା ଯାକ ଭଲ ସିଏ ଭଲ ଲୋକ। ଖାଲି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭଲ ହେଲେ ଭଲ ନୁହେଁ, ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପୂଜା କରୁଛି, ମାଛ ଖାଉନି, ମିଛ କହୁନି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଭଲ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଲ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ। ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ, ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ବେଳେ ସଦାବେଳେ ଶୁଧୁଥିଲେ, କହିଲେ ତମମାନଙ୍କର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଦେଖ ମୋ ବିଲେଇକି। ସେ ବିଲେଇକି କଣ କରୁଥିଲେ, ପାଠ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଥିଲେ ବିଲେଇକି ବସେଇ ଦଉଥିଲେ, ଏବଂ ବିଲେଇ ପିଠିରେ ଦୀପ ରଖି ଦଉଥିଲେ, ବିଲେଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୀପ ରଖିକିରି ସେ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ। କହିଲେ ଦେଖ ମୋ ବିଲେଇ କେଡ଼େ ଶାନ୍ତ, କେତେ ସଜାଗ, କେତେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତରେ ଶୁଣୁଛି, ସେତିକି ଏକାଗ୍ରତା ତମ ଭିତରେ ବି ନାହିଁ। କ୍ଲାସ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲେଇ ଶରୀର ସ୍ଥିର ଏବଂ ସିଧା। ତା କାଲି କ୍ଲାସ ଦିନ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମୂଷା ଧରିକି ଆଇଲା, ଯେମିତି ଗୁରୁ ବିଲେଇ କହିଲେ ବସ୍, ବିଲେଇ ବସିଲା,
ता मुंडे दीप रखीदे क्लास न सरला पर्यटन बिले कि कहले तू हलिबुनि जिंदी गुरु आउ आखि बंद कर मूषा टाक छाड़देला जिंदी बिले मूषा छाड़देला मूषा को देखला तार आुली गला जे ता मुंडे दीप सी मूषा पछे धाइला ठीक सेमती आम से पर्यत भल लोक जेपर्यंत आमको लाच न मिली मूषा बिले पाख को जेपर्यंत मूषा न पशी बिले से पर्यत भल लोक आम से पर्यत भल लोक जेपर्यंत आम पाक सुजोग न मिली भगवान कहले भल लोक सीए जार वृत्ति प्रवृत्ति आकृति तीन टा जाक भल देख छपन नंबर श्लोक भगवान तार उत्तर दौंस श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा काम सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञास्तदोच्यते केस भल लोक ना क्वाइट अलर्ट एंड विजिलेंट माइंड ए भलिया गोटे मन दरकार क्वाइट अलर्ट एंड विजिलेंट माइंड शांत सजाग एवं सावधान मन जार मन शांत सजाग एवं सावधान एक रे शांत द्वितीय रे सजाग तृतीय रे सावधान देखंतु एक रे शांत द्वितीय रे सजाग तृतीय रे सावधान देखंतु बिले बिले रो मन शांत किंतु सजाग नहि जिंदि मूषा देखिला डे पड़ा जिंदि मूषा देखिला डे पड़ा आमर मन शांत थिबा दरकार जो मनरे कामना न थाए भावना थाए ताकू कह जाए शांत मन तापरे सजाग मन होची मु सजाग रही कौन सी परिस्थिति रे मो भावना को मु कामना रे रूपांतर करी ना कामना आसुना शांत सजाग माने मु सजाग रही जिंती भावना टा कामना न रुए भावना क्या कह जाए कामना क्या कह जाए वस्तुर ज्ञान को भावना कह जाए कामना क्या कह जाए कामना हूँ कौन तृतीय अध्याय भगवान कहे तत्स्वरूपम तत्अधिष्ठानम तत्विनाश उपायम कामनार स्वरूप कामनार अधिष्ठान कामनार विनाश उपाय इंद्रियाणी मन बुद्धि अधिष्ठान उच्यते तृतीय अध्याय को आपण पढ़िबे मु जस्ट कहिदौची कामना कौन अन्य ठारु अन्य द्वारा अन्य कु अन्य ठारु अन्य द्वारा अन्य कु अन्य ठारु सुख पाइबार इच्छा अन्य द्वारा सुख पाइबार इच्छा अन्य ठारु अन्य कु पाइबार इच्छा को कामना कहा जाए कुकुड़ा मारिकिरी खाइबा कुकुड़ा चाकरणी मारिदेव मु खाइबा अन्य बाड़ी फुल चोरी करिबा एरा सब होची कामना अन्य ठारु अन्य द्वारा अन्य कु एरा सब होची कामना जहा भीतर एई भलिया कामना नहीं अन्य ठारु सुख पाइबार इच्छा नहीं अन्य द्वारा नहीं एवं अन्य कु पाइबार नहीं कारण से बुझी I am happiness. I plus my family is my comfort. I plus my money is my comfort. I plus my family is not my happiness. I am happiness. तेणु से अन्य कु नुहे अन्य ठारु नुहे अन्य द्वारा नुहे निज मन को देखंतु आदि आम मन रे तीन प्रकार कामना अन्य ठारु अन्य द्वारा अन्य कु एक कहगला कामना सजा सजा जेते बेले आसीबो ताकू कौन करिवे ना विजिला विजिलांड माने ताकू दूरे दबा न आसीबा हला शांत आसीला जानिबा हला सजाग दूर करिबा हला सावधान शांत मन सजाग मन एवं सुदृढ़ सावधान मन एक कहा जाए भल लोकर लक्षण जहार ए भलिया मन अछि ताकु कहगला भल लोक बी गुड प्रथमे भल हुओ तापरे भगवान को पाख को जीव बी गुड तापरे हबो बी ग आगे भगवान को पाख को हला कहले एटा होची लक्षण ता माने कोन कामना को दूर कर दियो कोन ना भावना को कामना रे रूपांतर करो नहीं किए भावना को कामना रे रूपांतर करे ना कर्ता अहंकार
नेवर कन्वर्ट योर थॉट इनटू डिजायर कोनोसी परिस्थिति रे निजर भावना को कामना रे रूपांतर करंतु नाही। ओहो केड़े बढ़िया फूल गछटे हे जीव मो बाड़ी रे इंता फूल गछटे थांदा कि सबुदिन सकाळ उठिकरी देखंती आपण पड़सा घर को जाइछंती तुलसी गछटा को देखिले केड़े कला तुलसी हे छि केड़े कला दिसुची बढ़िया हे छि आपण को मन रे कामना हला गोटे चारा मत दिंतु कहीं कामना आसब कामना आसब किंतु कौन दरकार बिजला से कामना टा कामना है रहू बाहर को बाहर करी भी नहीं शांत मन सजाग मन सावधान मन आ बाहर मधुरिया चाकुड़िया कथा कहले हबनी भाषा भी ठीक रहा दरकार भाव भी ठीक रहा दरकार तापर भगवान कहले कौन आत्मनैवा आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा स्थिति ताकु ही स्थित प्रज्ञा कह जाए जो व्यक्ति रे ज्ञान अछि आई एम हैप्पीनेस आई एम कंफर्टेबल विथ एवरीवन मु होछि सुख स्वरूप अन्य मानक सहित मु सुविधा रे अछि। वर्तमान 56 नंबर श्लोक देखंथु भल लोकर द्वितीय लक्षण कोन श्री भगवान वाच दुखे स्वनोद्विग्न मनः सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीमो निरोच्यते दुखे स्वनोद्विग्न मनः सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीमो निरोच्यते। वर्तमान 56 नंबर श्लोक 55 नंबर श्लोक होची एकुटिया थिबा समय रे स्थित अज्ञ व्यक्ति किमिति रुहे 56 नंबर श्लोक होची अन्य सहित से किमिति रुहे 56 नंबर श्लोक होची तार बौद्धिक जीवन 57 नंबर श्लोक होची तार मानसिक जीवन एवं 57 नंबर श्लोक होची तार शारीरिक जीवन तो आमे एठे सिखिबा आमे बौद्धिक भाव रे किपरि व्यवहार करिबा मानसिक भाव रे किपरि व्यवहार करिबा शारीरिक भाव रे किपरि व्यवहार करिबा तेणु 56 नंबर श्लोक हूँ तार बौद्धिक जीवन कौन दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा सुखेशु विगत स्पृहा ये हूँ तार लक्षण कौन लक्षण भल लोकर लक्षण आप स्थित प्रज्ञ भूली जाते भल लोकर लक्षण कौन भल लोकर लक्षण ना भल लक्षण लक्षण हूँ से जीवन रु सुख आसे ता जीवन रु दुख आसे कि दुख को भोग करे से सुख को भोग करे ना जीए दुख को भोग करे जीए सुख को भोग करे से हूँ संसारी भगवान शंकराचार्य गीतार भाष्य लिखिंट सुख दुख संभोग संसार संसार किए जीए बाहरी से संसारी नुहे संसारी किए सुख दुख संभोग संसार जीए सुख को भोग करे सी संसारी प्राकृतिक नियम होची जे सुख को भोग करे से दुख को भी भोग करे सुख आसीबो कारण सुख होची प्रारब्ध सुख को भोग करनी कि दुख को भोग करे नहीं सन्यासी किए ना दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा सुखेशु विगत स्पृहा सन्यासी जहार सुख रे स्पृहा नहीं जे सुख पछरे गोड़ाए नहीं कि जे दुख को आड़ाए नहीं गोड़ेवा नहीं कि आड़ाए नहीं जे सुख आसिले कहने तू जानी तू जानी तू जानी दुख आसिले तू कहने तू आनी तू आनी तू आनी संसारी कौन कहे जेमती दुख आसब तू आसेनी तू आसेनी तू आसेनी सुख को कौन कहे तू जानी तू जानी तू जानी तेणु साधना कौन ना साधना होची दुख आसब भोग करिवानी सदुपयोग करिबा सुख आसब भोग करिबा नै सदुपयोग करिबा दुख को जदि आमे भोग करिबा आम भितरे हताश भाव आसिबो दुख को जदि आमे सदुपयोग करिबा आम भितरे सहिष्णुता आसिबो सुख को जदि आमे भोग करिबा आम भितरे अहंकार आसिबो मो पाखरे अछि ता पाखरे नाही सुख को जदि आमे सदुपयोग करिबा आम भितरे कृतज्ञता आसिबो आम पाखरे विनम्रता आसिबो सुखर सदुपयोग विनम्रता कृतज्ञता दुखर सदुपयोग सहिष्णुता
तितिक्षा देखु दुखर सदुपयोग तितिक्षा एवं सहिष्णुता सुखर सदुपयोग विनम्रता एवं कृतज्ञता आमे कौन करिबा आमे कौन करिबा उपभोग ना उपयोग आमे कौन करिबा उपभोग ना उपयोग मनीषर तीन प्रकार परिचय गोटे शास्त्रीय परिचय गोटे सामाजिक परिचय आ गोटे स्वागत परिचय प्रत्येक व्यक्तिर तीन प्रकार परिचय गोटा स्वागत परिचय जो परिचय टा को मु निजे उपार्जन करिछि आई एम एम डी आई एम पी एच डी आई एम डॉक्टर एला स्वागत परिचय आ गोटे हूँ सामाजिक परिचय जोटा मत समाज देछि मु कार मा मु कार स्त्री मु आम कॉलोनी रा सेक्रेटरी मु प्रेसिडेंट मु आम मंदिर ट्रस्ट रा सेक्रेटरी एला सामाजिक परिचय आउ गोटे परिचय हूँ शास्त्रीय परिचय स्वागत परिचय सामाजिक परिचय शास्त्रीय परिचय शास्त्र भी मत गोटे परिचय दौर समाज आखिरे मु जनकर स्त्री मो निज दृष्टि आई एम एम डी शास्त्र भी गोटे दृष्टि अच्छी शास्त्र भी मत मापुची मो दृष्टि तू कौन कौन शास्त्र मापदंड ना शास्त्र प्रथम दृष्टि हूँ पामर 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 माने से पाए मरिकी अच्छी पामर कौन पामर निजर सुविधा पाई निजर सुरक्षा पाई जीए निषिद्ध कर्म करे शास्त्र रे ताकू कुहा गला पामर मिछ कहिबा चोरी करिबा लांच करिबा एमानकु कुहा गला पामर जो माने राती चारिटार उठी टॉर्च लाइट बाड़ी जरी धरी पर बाड़ी रु फूल चोरी करछंती से माने ले पामर पामर से माने भक्त नंती तापर हेले विषय 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 किए निजर सुविधा पाई निजर सुरक्षा पाई जिए विहित कर्म करे सी हेला विषय जिए ठाकुर पूजा करिबा पाई निज बाड़ी रे फूल गछ लगाई फूल चोरी फूल तोली ठाकुर पूजा करे सी हेला विषय परवाड़ी रु जिए चोरी करे परवाड़ी रु जिए चोरी करे सी हेला पामर पामर विषय हेले बुझीला अन्यर गहना चोरी करिबा पामर पामर हेला विषय हेला तृतीय हेला साधक साधक होचि सीए जे विषय ठारु अलका जिए तार कर्म को साधना भावरे करुची जे तार कर्म को साधना भावरे करुची कर्म करूथिला भितरे से किछि कर्म को पूजा करुची उपासना करुची जप करुची कर्तव्य कर्म भितरु किछि कर्म को बाहर करी से उपासना करुची जप करुची जे कर्तव्य कर्म करे सेला विषय जे कर्तव्य कर्म सहित तो उपासना कर्म करे सेला साधक तापरे चारि नंबर सेवई हेला सी होची किए ना सी होची सेवक भगवान हेले सेव्य मुली सेवक हेला चारि नंबर तापरे पांच नंबर हेला मुमुक्षु मुमुक्षु होची सी जा जगत रु वैराग्य आसी जाई किंतु ज्ञान नाही बोध नाही किंतु ज्ञान अछि तापरे होची जिज्ञासु तापरे होची ज्ञानी ता कथा में आलोचना करछि ज्ञानी हवा पई ये होची स्टेप पामर एक नंबर विषय दुई नंबर साधक तीन नंबर सेवक चारि नंबर मुमुक्षु पांच नंबर जिज्ञासु छ नंबर भगवान आमको मनीष जन्म देचे जदि आम पामर हो जन्म हेचे मला आड़ को गोटे स्टेप आग को जीवा विषय हेकि मरवा ना साधक हो मरवा ना मुमुक्षु मरवा ए विषय अन्य गोटे ना हूँ भुभुक्षु गोटे हूँ भुभुक्षु आ गोटे हूँ मुमुक्षु गोटे स्टेप आग को जीवा कि पछक मजबानी मुमुक्षु होकर जन्म होते आभुक्षु होकर मले मुमुक्षु किए जी दुख को सदुपयोग करे भुभुक्षु किए जे दुख को भोग करे तेणु जीवन रे नियम करदेवा दुख आसला बेले दुनिया को दोष दबानी कि दुनिया को दायी करवानी भगवान को मन पकेवा प्रभु मोर कर्म अनुसार आपण फल देचंती ईश्वर स्मरण नहले दुखर सदुपयोग पारिबो नाही दुनिया स्मरण हेले दुखर भोग हबो
हे माँ ता जो दुख पाऊची मुझे दुख पाऊची दुनिया को दायी कले भोग हब ईश्वर स्मरण हेले सदुपयोग हब ईश्वर को न आणिले पारिबो नाही। तापर देखंतु द्वितीय रे बीत राग भय क्रोध बीत माने चली जाइची जहां मन भितरे ए तीनटा जिनिस नाही राग भय क्रोध डिजायर प्रियर एंड एंगर फ्री फ्रॉम डिजायर प्रियर एंड एंगर जहां भितरे तीनटा जिनिस नाही क्रोध भय एवं राग भय हला भविष्य को नहींक्री क्रोध हला वर्तमान को नहींक्री राग हला अतीत को नहींक्री कौन फ्री फ्रॉम थॉट अटैक एंड हार्ट अटैक ता भितरे राग नहीं कि भय नहीं कि क्रोध नहीं राग हला कौन धरी रखिबार इच्छा शरीर को धरी रखिबार इच्छा क्रोध हला भय हला कौन हरेबार भय आमर हरेबार भय सेते बेले थाए जोटे धरी रखिबार इच्छा थाए आज आम शरीर को आम धरी रखीचे तेणु हरेबार भय रखीचे मुझे भगवान कर भगवान हेले मोर मुहली भगवान करो भगवान करो हेले मोरो पाइबार आशा नहीं कि हरे बार भय नहीं पाइबार आशा नहीं कि हरे बार भय नहीं भीत राग भय क्रोध स्थित धीमो निरुचते तीनटा जिनिस जो मनरे नहीं एक रे कामना नहीं द्वितीय भय नहीं तृतीय रे क्रोध नहीं अनावश्यक कामना नहीं क्रोध नहीं भय नहीं जदि तार विरक्ति अछि निषिद्ध कर्म से विरक्ति होची जदि तार आसक्ति अच्छी से विहित कर्म आसक्ति होची। तापरे तापरे 57 नंबर श्लोक य सर्वत्र नभि स्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तार मानसिक जीवन कौन इंटेलेक्चुअल लाइफ वर्तमान साइकोलॉजिकल लाइफ मानसिक जीवन कौन साधारण लोकर मानसिक जीवन होची अप्रियर अप्रियरे आपत्ति एवं अभिजोग प्रियरे आशा एवं आकांक्षा। देखंतु मु तीनटा स्तर रे कहूची गोटे साधारण लोकर जीवन गोटे साधकर जीवन आ गोटे स्थित प्रज्ञान जीवन प्रत्येक श्लोकर तीन प्रकार व्याख्या गोटे साधारण लोकर जीवन गोटे साधकर जीवन आउ गोटे हला ज्ञानी मानक दृष्टि साधारण लोकर मानसिक जीवन कौन आपण एवं अप्रियरे अप्रियरे आसक्ति सॉरी अप्रियरे आपत्ति एवं अभिजोग प्रियरे प्रियरे आशा एवं आकांक्षा। जदि आमे निष्पत्ति नबा काली ठो आमे गीता क्लास बंद केते जन खुशी हाथ उठेले काली ठो गीता क्लास बंद हाथ उठेले कारण देख कहार कहार करेज नहीं हाथ उठे अरे क्लास हेले भलो नहले आउरी भलो कौन अच्छी ए भलिया गोटे मन एक कहा जाए भलो लोक कारण आमे भलो लोक नुहे मते भलो लागुछ स्वामीजी आपण पछे जहां हूं किंतु भकंतु बसिकी कहा कई गोटे हाथ उठेले कारण प्रिय रे आशा एवं आकांक्षा मत जहां भल लगुच्छ आहरी दरकार अधिका दरकार न एभलिया गोटे मन दरकार सीए हूँ भल लोक ताकू जहां भल लगुची ताकू से अधिका चाहनी भल न लगे हेला नहीं भल साधारण लोक कौन अप्रिय रे आपत्ति एवं अभिजोग प्रियरे आशा एवं आकांक्षा चाकराणी उपरे आपत्ति एवं अभिजोग नाती 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 सहित फोटो उठेगी फेसबुक रे छाड़ो चाकराणी फेस देखा को इच्छा हम नहीं तेणु अप्रियरे आपत्ति एवं अभिजोग प्रियरे आशा एवं आकांक्षा। देखंतु तापरे साधक साधक किए धर्मरे आशा एवं आकांक्षा अधर्मरे आपत्ति एवं अभिजोग इला साधक साधक किए धर्मरे आशा एवं आकांक्षा धर्मरे आशा एवं आकांक्षा अधर्मरे आसक्ति अधर्मरे आपत्ति एवं अभिजोग। जदि आपण विरोध करिवा पे चाहुचंती अधर्मरे विरोध करंतु साधारण लोक भलिया बंचिबानी साधक भलिया बंचिबा ए छोट छोट कथा रे काहे कि विरक्ति हबा
शीत प्रज्ञ किए नाभिनंदंती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः से कहा उपरे विरक्त हुए नी भीतर वृत्ति उपरे भी से विरक्त हुए नी बाहर व्यक्ति उपरे भी से विरक्त हुए नी। जो व्यक्ति भीतर वृत्ति सहित शांति रे अछि बाहर व्यक्ति सहित शांति रे अछि सेही व्यक्ति की कहा जाए भलो लोक। भलो लोक किए ना भलो लोक होची सी जो भलो जो व्यक्ति बाहर व्यक्ति सहित भी झगड़ा करेनी निजर वृत्ति सहित भी झगड़ा करे नहीं। Never fight with the outside object and never fight with the inside thought. नॉले से ब्राह्मण बढ़िया है भैया क्या? पूरी कुकर है कि जन्म है कि आश्रम में जोगी वे। Take care of your intention will take care of your action. Our intention should be clear, pure and higher. मने पकान्द से ब्याह धक्को था। से मांसो भी कुची, किंतु तार हृदय रेकड़े पवित्रता। किंतु आज लोग फूल बिकुंट किंतु हृदय अपवित्रता जदि इंटेंशन ठीक नहीं यु आर नेवर सेफ इफ योर इंटेंशन इज प्योर यु आर एवर सेफ। यस सर्वत्र नभिस्नेह यत् तत्प्राप्य शुभाशुभम भगवान कहिले जे समस्त की भल पाए कहकू समस्ते समा यह सर्वत्र नभिस्नेह तार भल पाइवा समस्त प्रति कण ना शुभम प्राप्य अशुभम प्राप्य किए मत इनसल्ट करे मत कर सल्ट हो इनसल्ट हो जदि तुम सल्ट को डायजेस्ट कर इनसल्ट बहु जदि तरकारी टिके लुणिया कला खाई पाइल नहीं अफिश रे किंतु तुम इनसल्ट को डायजेस्ट कर अरे घरे जदि इनसल्ट को डायजेस्ट जे कर पार नहीं हाउ यू डायजेस्ट इनसल्ट। भगवान कहले प्रतिकूल परिस्थिति रे जी प्रतिक्रियाशील हुए नाही ताकू कुहा जाए स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ताकू कुहा जाए भल लोक। वर्तमान 58 नंबर श्लोक छाड़ गली 57 58 ठीक है। यदा संघरते चायम कुर्मंगानी वसर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः विषयावे निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसावर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। स्थितप्रज्ञार लक्षण ब्राकेट रे भल लोकर लक्षण भल लक्षण भल लोक होचि सिए जे प्रथमे ता प्रकृति की ठीक करे कारण प्रकृति ठीक हेले वृत्ति ठीक हे जीव वृत्ति ठीक हेले प्रवृत्ति ठीक हे जीव प्रवृत्ति ठीक हेले प्रकृति ठीक हबो नाही प्रकृति ठीक हेले प्रवृत्ति ठीक हे जीव कारण प्रकृति हला कारण प्रकृति हला कारण वृत्ति रो उदय स्थान एवं लय स्थान को प्रकृति कहा जाए। आम भगवत गीता रे मनीषर प्रकृति को तीन भाग में विभक्त करा जाय छी गोटे प्रकृति की कहला असुर प्रकृति आ गोटे प्रकृति कहला राक्षस प्रकृति आ गोटे प्रकृति की कहला दैव प्रकृति। एक षोल अध्याय दि प्रकार कहगला दैव एवं असुर प्रकृति तेनाली क्वाइट अलर्ट एंड विजिला आम प्रकृति अनुसार आम भितर वृत्ति आसव नेवर सप्रेस योर थॉट नेवर एक्सप्रेस योर थॉट लॉट टू सबलिमेट योर थॉट। कौन जदि असुर प्रकृति अच्छी असुर वृत्ति आसव जदि राक्षस प्रकृति अच्छी राक्षस वृत्ति आसव तेनालीर एक्सप्रेस योर थॉट लॉट टू सबलिमेट योर थॉट। असुर प्रकृति कौन भोग वृत्ति से कहार क्षति करिवनी कहाकु साहाज्य करिवनी चुपचाप ऑफिस रे जीव पिंपुड़ी उपरे भी मड़ा पकेबनी एकु कहला असुर प्रकृति कहाकु शेयर करिवनी 10 हल जोता 6टा मोबाइल 12टा लैपटॉप 20टा चश्मा कारण केही त नांती शेयर करिया बे कोन करियो एकु कहला भोग प्रधान वृत्ति असुर। तृतीय रेला राक्षस राक्षस किए भोग युक्त हिंसा जोटे हिंसा भी अच्छी भोग भी अच्छी चोरी करिवो मिछ कहिवो लांच कहिवो तापर हेला दैवी दैवी प्रकृति महापार्थ।
स्वामी जी म्यूट हो गले। दैवी प्रकृति कौन ना दैवी प्रकृति होची दैवी प्रकृति होची तितिक्षा तपस्या सहनशीलता सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये सब होची दैवी प्रकृति पूरा असुर प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति भीतर तीन प्रकार प्रकृति अच्छी मु जानी नहीं मो भीतर को प्रकृति टा अधिक केते बेले जानिबे मो प्रकृति विवेक चुड़ावणी रे भगवान शंकर करे कले जानी पारु नहीं तो प्रकृति कौन कार्यानुमेया सुधेव माया प्रकृति के जानवर उपाय कौन ना जिते से कार्य रूप नब कारण रूप से जान पारे कही कार्यानुमेया सुधेव माया सुधी माने बेकी लोक माने जिते वृत्ति आसब से मो प्रकृति की जापरि जिते प्रवृत्ति हम से अन्न मैंने जापरि मो भीतर वृत्ति आपण से जापरि जिते कह आज्ञा मत गोटे तुसी गच दे कि आप जाने मो भीतर वृत्ति मुझे आपण जापारती ना मो प्रवृत्ति की आपण जानती जानती कि मो प्रकृति मुझे कि आप जाने देख प्रकृति मुझे कि आप जाने वृत्ति मुझे आप जानती नहीं प्रवृत्ति दिज जाक जाने तेना प्रवृत्ति हूँ दिज जाक प्रोब्लेम आपण प्रोब्लेम मोपी प्रोब्लेम वृत्ति हूँ मोपी प्रोब्लेम प्रकृति क्या प्रोब्लेम नुहे तेना शास्त्र कहू प्रकृति सहित संघर्ष कर नहीं वृत्ति सहित कर जदि एटा असुर बदल दि जदि राक्षस बदल दि जदि दैव ताक अभिव्यक्ति कौन दैव कौन लिव फॉर ए हायर एंड प्योर कॉज नेवर लिव फॉर योर पर्सनल सेल्फिश डिजायर लिव फॉर ए हायर एंड प्योर कॉज यदा संघरते चायम कुर्मंगानी व सर्वस कुर्म सर्वस अंगानी व जोपरी भाव कई छो रास्त जा समय जदि प्रतिकूल परिस्थिति आसे से चारियाडू फेरे आने इंद्रियाणी इंद्रियर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित मो प्रकृति अनुसार मो भीतर गोटे वृत्ति आसव देख सबुदिन सकाल हेले समस्त वृत्ति हूँ अलग अलग सकाल उठी चाहा पीबी सकाल उठी मणिगुआ जी सकाल उठी सत्संग कर प्रकृति स्टोर हाउस ऑफ पास्ट इंप्रेशन प्रकृति ताको पतंजलि कहले चित्त जो भाया चित्त से भाया वृत्ति समस्त सकाल उठिले मर्णिंग वॉक करने इच्छा हुए नहीं पेपर कौन गला पेपर कौन गला पेपर कौन गला अरे काली पिला तू पढ़ी आज पेपर आसबुन का छुट्टी बोली का पढ़ी फ्रंट पेज रेपर आसबुन आज पढ़ी पुणी पेपर कौन गला पेपर कौन गला पेपर कौन गला पुणी कहु भुवनेश्वर पेपर कौन गला पेपर कौन गला गत काली पेपर पढ़ी आज आसबी पुणी सकाल कह पेपर कौन गला भगवान कहले यही भाव में तो माइंड टा को तू फेरे आने Never convert your thought into selfish desire. निजर भावना को स्वार्थ कैंतिक भावना रे रूपांतर करंतु नाही. Keep distance, keep distance, keep distance. Where there is distance, there is no disturbance. Where there is distance, there is no disturbance. Create a distance between you and your mind. Create a distance between you and your mind. When there is distance, there is no disturbance. Visaya vinivartanti niraharasya dehinah rasa varjam rasopyasya param drushtva nivartyate Bhagava, kimti distance tiyari karivi? Patanjali kahile, jadi tu distance tiyari na karu, jadi tu distance niya karu, anger comes and overtakes. Desire comes and overtakes. Fear comes and overtakes. You have two choices. You overtake your thoughts or thought overtakes you. Why not a better choice? Why not a better choice? Same motte kahenge overtake. Jina ame gaadi chalauche. Mu chahile mo gaadi pagawala ku overtake karijibi. Same motte overtake karijibo. Same thought motte kahenge overtake karibo. मु कहीं ताको ओवरटेक न करबी विराहरस्य देहिना विषया विनिवर्तते रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते ये उचित सूत्र
गोटे हायर जदि आसला लयर टा आपणा छाए जीव होल्ड हायर लयर आपणा छाए पळैबो छोट पिलाटा जदि गोटे छुरी धरिछि ताकु जदि गोटे खेलना देखेबा से छुरी टाकु छाडी दबो ठीक से परि भाबरे साधनार सुख न पाइला पर्यंत मन भोगर सुख को छाड़ी पारिबो नाही संयमर सुख भोगर सुख को तुलना न कले मन छाड़ी पारिबो नाही भोगर सुख ठारु संयमर सुख अधिक नहेले मन भोग को छाड़िबो नाही देखंतु संयमर सुख भोगर सुख ठारु अधिक संयमर सुख भोगर सुख ठारु अधिक जेतु संयमर सुख भोग ठारु अधिक ए अनुभव नहेले मन भोग को छाड़ी पारिबो नाही गुडला संयमर सुख आ गुडला भोगर सुख क्रोध आसिले क्रोधी ही शोधिबार सुख आ क्रोध आसिले क्षमा करि दबार सुख देखंतु परीक्षा करि देखंतु क्रोधी ही शोधिबार सुख क्रोध को करुणा रे बदल दे क्षमा करिवार सुख जो दिन शोधिबार सुख ठारु क्षमा करि दबार सुख आपन को अधिक लागिवो परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यापि कान्तिय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासि तमत्परः वसो हि अस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः वर्तमान 60, 61, 62, 63 नंबर श्लोक वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपोर्टेंट श्लोक यततो ह्यपि कान्तेय भगवान आमे बहुत चेष्टा करूचु थॉट को ओवरटेक करिया पई किंतु से त हमको ओवरटेक करि जाउची अधा बाट गला परे मने पडुची ए मोबाइल छाडी आइलु घर फेरि गेसिलु ऑफिस की रोसे करि साला परे मने पडुची ए मा डालमा रे लुणो पकेनु डालमा आइछि किंतु डाली पडिनि ए मा डाली पडिनि डालमा आइछि डाली पडिनि तरकारी आइछि लुणो पडिनि मोबाइल सुइजि बसिछि सुइजि मरा हैनि खाइ साला परे मेडिसिन खाई नहीं थॉट कम्स एंड ओवरटेक स्वामी जी थॉट कम्स एंड ओवरटेक काली रो टॉपिक होची हाउ टू मैनेज आवर थॉट हाउ टू मैनेजिंग आवर माइंड क्रिएटिवली इंटरेस्टिंग एंड इंपोर्टेंट टॉपिक बहुत लोगों का प्रश्न थला एवं 62 और 63 नंबर श्लोक होची तार आधार ताकु आधार करी काली आमे आलोचना करिबा हाउ टू मैनेज आवर माइंड क्रिएटिवली नॉट रिपीटिवली रिपीट लाइफ एनिमोर रिपीट लाइफ एनिमोर क्रिएटिव लाइफ म्या हाउ टू मैनेज लाइफ क्रिएटिव हरिओम 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 स्वामी जी काली ए गोटे प्रश्न थिला एवरीवन अंडरस्टैंड्स डेथ इज इनेविटेबल बट व्हेन द फैमिली मेंबर्स डाइज दे ब्लेम लॉर्ड विदाउट रियलाइजेशन व्हाई सो एंड हाउ टू रियलाइज इट द्वितीय अध्याय रे भगवान दीटा कथा कहिले जीवन रे किछु होची परिहार्य आ किछु होची अपरिहार्य तस्मात अपरिहार्यते न सुचि तुम हर्षि परिहार्य माने जहाकु चाहिले भी आमे त्याग करि परिवा नाही परित्याग करि परिवा अपरिहार्य माने जहाकु त्याग करि परिवा नाही जीवन रे परिहार्य एवं अपरिहार्य मेक ए लिस्ट परिहार्य कोण अपरिहार्य कोण जिन आपनकर क्लास होउची आपन न चाहिले भी क्लास सरियो ता होची परिहार्य ना परिहार्य कौन अपरिहार्य बोला अपरिहार्य मृत्यु जन्म हेची माने मृत्यु हबो जन्म हेची माने मृत्यु हबो शरीर तेणु कौन कौन हवा दरकार तेणु जहा अपरिहार्य जहा अपरिहार्य अपरिहार्य माने जहा को चाहिले भी मु बदल पारिबि नाही जहा अपरिहार्य ताकु आदर पूर्वक स्वीकार करि नबा उचित ताकु आदर पूर्वक स्वीकार करि नबा उचित किमिति स्वीकार करबा उचित ना जने बुझीबा दरकार जे शरीर ठारु अहंकार होची अलगा किमती ना सुसुप्ति सुसुप्ति रे शरीर ठारु अहंकार होची अलगा सुसुप्ति होची तार प्रमाण आपण सोइथिबा समय रे आपण को जने गाली देले आपण को अपमान लागे की आपण सोइथिबा समय रे आपण को जो प्रशंसा कले आपण को प्रशंसित होते की तनु सुसुप्ति होची एक प्रमाण जे हमकु प्रमाणित करे अहंकार ठारु शरीर होची अलगा तेणु मृत्यु हूँ से मृत्यु आ सुसुप्ति भितर फरक हूँ गोटे शरीर को छाड़ी
आउ गोटे शरीर को ग्रहण करिवा हला मृत्यु सेई शरीर को छाड़ी सेई शरीर को ग्रहण करिवा हला सुप्ति सुप्त आ मृत भितर फरक किछि नाही एतिकि जदि आमे बुझि नबा निज मृत्यु पई भयभीत हवानी अन्यर मृत्यु पई भी भयभीत हवानी डेथ इज ए प्रमोशन डेथ इज नॉट ए पनिशमेंट। द्वितीय प्रश्न रखी स्वामीजी स्थित प्रज्ञ उदाहरण गाई हो पार कि ना जदि हाँ कईच कथा उदाहरण अच्छा भगवान तो आम किए भगवान पथरे किए भगवान तो देखे कईच आप गाई कहले गाई आम किए आम कि भगवान तो देखिले आम किए तो भर आम किए आम कि कईच कईच हूँ एपरी गोटे जीव जे जल भागे रही पार स्थल भागे रही पार गाई स्थल भागे रही पार जल भागे रही पार कि तेणु कईच ठू आम शिखिले लोकालय भी रही पार हिमालय भी रही पार लोका ना 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 स्वामीजी संसार कर पुणी सुखे रही कथा सुखे रहा हिमालय जी पड़े कईच जल भागे भी रोच स्थल भागे भगवान देखते कईच ये गाई हो पार कि स्वामीजी विश्व नायक लिखिंट मत मंदिर जी सब बड़े इच्छा हुए ताहले एटा कौन भूल आशा नहीं मंदिर को भगवान भक्त हो फोटो उठे फेसबुक रे छाड़िया को जा भगवान कर भक्त भगवान करिया कहि कली मंदिर सफा कली कली आई मुझे सेवा करिया सेवक हो भक्त होकर भक्त होकर आज एक कण फोटो उठ कल से कण फोटो उठ फेसबुक देख दि मिनट थर के लाइक कले के देखिले कुकुर पुणी कुकुर मंदिर जगे प्यूरीटी दरकार ना पपुलारीटी दरकार प्यूरीटी दरकार ना पपुलारीटी ए मनी पपुलारीटी रेस्पेक्ट पछरे पड़ंतु ने आया धन्यवाद। तपन पटनायक जानिबा पई चाहिचंती वृत्ति निवृत्ति एवं प्रकृति संबंध रे टिके विशेष विश्लेषण। धन्यवाद वेरी गुड ए बढ़िया प्रश्न पचाल हमको भी खुशी लागे प्रकृति ताहाकू कुहा जाए जहां मु जाने नहीं कि अन्य माने जाने नहीं आपण कहि परिवे कि वर्तमान 7:30 7:40 आपण भीतर कोन थॉट आसी कि कहि परे हाथ उठेलो 7:45 रे आपण भीतर कोन थॉट आसी कहि परे कि कहि परिवे कारण कोन आसी मु जानिनि कि थॉट आसीबो कारण मु प्रकृति कोन मु जानिनि प्रकृति कि केतेबेले चिनिबा कार्यानुमेया सुधिएव माया विवेचनामणि सेतेले कार्य रूप नब ताकु जानिहो प्रकृतिर कार्य रूप को वृत्ति कहा जाए सेतेबेले मु जाने कि अन्य माने जानंती नाही प्रकृति मु जाने नी कि अन्य माने जानंती नी स्टोर हाउस ऑफ पास्ट इंप्रेशन ब्रैकेट रे कारण शरीर वृत्ति मु जाने अन्य माने जाने नी ब्रैकेट रे सूक्ष्म शरीर जेते प्रकृति प्रवृत्ति हुए मु भी जाने अन्य मान पे जाने दि जणा का भी प्रॉब्लम आपण को घर को जाईथिली आपण फूल गछला मोर पसंद हला मो भीतर भावना आसीला नेला पे मु कहली नाही आपण जानि परबे कि आज्ञा ए फूल गछ मते देबे कि आपण जानले ना नाही दि जणा पे प्रॉब्लम हला ना नाही जो वृत्ति दि जणा को पे अशांति आनिबो ताको अभिव्यक्त करिया उचित कि ना ताको सब्लिमेट कर देबा उचित प्रकृति स्टोर हाउस ऑफ पास्ट इंप्रेशन वृत्ति मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रकृति प्रवृत्ति वृत्तिर अभिव्यक्ति हला प्लीज डिफाइन प्रकृति वृत्ति एंड प्रवृत्ति हला कथा लाला कोहा गला वर्तमान प्रकृति कारण शरीर वृत्ति सूक्ष्म शरीर प्रवृत्ति स्थूल शरीर जहार तीन टा जाक भल से भल खाली स्थूल शरीर चंदन नाली ड्रेस तुलसी माल रुद्राक्ष माल जपा माल ये दिन आज निजी ठकिया अन्य को ठकिले चलो निज को ठकिले कौन हम आज शेष प्रश्न रखी संजय कुमार बेहरा केते दूर यथार्थ मु जानेनी तथापि मु पचारुची आमर खाद्यपेय किपरि हेबा दरकार युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य षष्ठ अध्याय धन्यवाद आउ नियम भोक कले खाइबो शोष कले पीबो भोक नाही त खाइबा नाही शोष नाही त खाइबा नाही नेचुरल लाइफ लिव नेचुरल लाइफ और कॉन्शियस लाइफ नेवर लिव मेकानिकल लाइफ
ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ତ ଖାଇବି, ଦେଖିଲେ ତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଏଟା ମେକାନିକାଲ ଲାଇଫ, କନସିୟସ ଲାଇଫ ଆର୍ ନେଚୁରାଲ ଲାଇଫ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା, ବିଜୟ ବାବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସୁଖର କାମନା ଓ ସୁଖର ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ? ସୁଖର କାମନା ଆଉ ସୁଖର ଆଶା, ଆଶା, ଆଶା ଆଉ କାମନା ଦିଟା ଯାକ ସମାନ। ଆଶା ଆଉ କାମନା ଦି ଜଣଙ୍କ ଦିଟା ଯାକ ଭିତରେ ସମାନ। ଯଦି ତମେ ଫରକ କରିବ ଯେ ଆଶା କ'ଣ କାମନା କ'ଣ, କାମନା ହେଲା ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଆଶା ହେଲା ଆହୁରି ଦରକାର ଅଧିକା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ପାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାମନା, ଆଉ ଥରେ ଦରକାର ଅଧିକା ହେଲା ଏଇଟା ଆଶା ହେଲା। ଆମର କ'ଣ ସଦାବେଳେ ଆଶା ରହୁଛି, ଲାଳସା ରହୁଛି, ମତେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଦିଅ ଏବଂ ଦେଲାବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକା କରିଦିଅ, ଆଉ ଥରେ ଦିଅ ହେଲା କାମନା, ଅଧିକା ଦିଅ ହେଲା ଆଶା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ହରି ଓମ, ଧନ୍ୟବାଦ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବାବୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଭଗବାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିତାଉ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ଠିକ ସେଇ ସମୟ 6:30 ସେଇ ଜୁମ୍ ଲିଙ୍କ ଭୁଲିବେନି। ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ଭିଡିଓଟା ଅଫ୍ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉ, ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ, ଭିଡିଓଟା ଅଫ୍ କଲେ ଆମର କ୍ୱାଲିଟିଟା ଟିକିଏ ଭଲ ହୁଏ ଶୁଣିବାଟା। ଆଜିକାଲି ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡିଓଟା ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅଫ୍ କରିବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିନା ଗଞ୍ଜି ବିନା ସାର୍ଟରେ ଘରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି